ये बायसन डालते हैं, छोटा मछली मछली पकड़ते हैं, ये दोनों है बहुत गलत काम है। क्योंकि अभी देखिए इतना छोटा मछली है, वो होने वाला इतना बड़ा हो गया तो उसमें कितना आप लोगों का पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप लोग इतना को पकड़ के उसमें मेहनत करके लेके जाके बेचते हैं, उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हमको फिशरीज डिपार्टमेंट को कंप्लेंट मिल रहा है, रोहू कटला मेगल कल्पा कैसा वाला मछली है वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, वो उधर एक्सटिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? वो मछुआरा लोग एकदम छोटा मेस डाल के वो छोटा साइज में उसको पूरा पकड़ के उन लोग बेच देते हैं, लेकिन कुछ बड़ा होने के बाद तो उसी का ब्रीडिंग होता है, उसका जो यज्ञ देने का एक एज होता है वो लेवल तक उन लोग नहीं छोड़ते हैं उसको। उसका पहले उन लोग पकड़ के पूरा को खा लिया तो फिर यगिंग नहीं होता है, ब्रीडिंग नहीं होता है, फिर इसलिए पूरा एक्सटेंट हो रहा है। सो उन लोगों का डिमांड था, अभी इधर कुछ नहीं मिल रहा है रोग कटला बोल के, इसलिए इन लोग फिशरीज डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जल शक्ति मंत्रालय का नीचे एक स्कीम चल रहा है नमामि गंगा बोल के, वो नमामि गंगा स्कीम का अंदर इन लोग वो पूरा मछली चार वेराइटीज मछली से उसी को उन लोग ब्रीडिंग करके इधर लेके आके अभी छोड़ा हुआ है हमारा बैरेज का अपस्ट्रीम में। ये पूरा ऐसा ब्रीडिंग होके फिर क्वांटिटी भी बढ़ेगा, फिर ऐसा माइग्रेट होके अपस्ट्रीम भी जाएगा। अभी हमने आप देखा होगा, हमने इल्सा मछली भी हमने टैगिंग करके ये छोड़ा हुआ है, वो कितना तक आगे ऊपर जाते हैं उसी को भी उन लोग मॉनिटर करते हैं उन लोग। इवन और एक विनंती है इन लोगों का, पूरा कभी भी आप लोग इल्सा मछली कभी भी आप लोगों को मिलता है सो उस समय उसका टैगिंग होता है ना, उसका आप लोग ला के किधर जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उस लोगों का आप लोग दे देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से उन लोगों का पता हो जाता है ये मछली किधर तक जाता है वो उन लोग स्टडी करने के लिए। वो भी एक उन लोगों का हमने पूरा फिशरमैन को भी एडवाइस दिया, अभी ये कंजर्वेशन का थोड़ा सा ध्यान रख के उन लोग पॉइजनिंग नहीं करने का, छोटा ये मेश वो भी उन लोग यूज़ नहीं करने का। बहरामपुर जांगीपुर में हमारा सेम टाइम पे रैंचिंग कर रहे हैं, एक टीम हमारा गया है अपना फरक्का में आया है, एक टीम हमारा साहिबगंज महाराजपुर में गया है, और इसके बाद हमारा है पटना, हम पटना से लेके फिर वाराणसी तक हम लोगों का प्लान है। तो हम लोग थ्रू आउट द जो गंगा का लोएस्ट अपर स्ट्रेच है, लोअर स्ट्रेच है, हम लोग पूरा कवर करते हुए जो डिप्लीटेड स्ट्रेचेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पे पर्टिकुलरली जो इंडिजिनियस कार्प है गंगा का, कटला रोहू मृगल जो नहीं मिल रहा है, तो वो आइडेंटिफाई किए और वही स्ट्रेचेस में हम लोग जाके रैंचिंग कर रहे हैं। फिशरमैन को भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो छोटा, जैसे सर बोले कि छोटा मेस नहीं यूज़ करना है, पॉइजनिंग यूज़ नहीं करना है,
ताकि उसको बड़ा होने के लिए चांस मिले, वो मैच्योर हो, वो ब्रीड करे, उसमें से अगर वो 10% भी अगर उसमें सर्वाइव कर जाएगा तो भी गंगा का जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसमें कंजर्वेशन में बहुत बड़ा योगदान होगा और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो हमारे फिशरमैन को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे वही रिक्वेस्ट है कि आप छोटा मछली को ना पकड़े, उसको बड़ा होने का। ये आज तक बांग्ला, जानुन सब खबर सवार आगे। सब्सक्राइब करुन आज तक बांग्ला, बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना।